अरे 2 मिनट दो, मैं बताता हूँ। भाई साहब प्लीज मुझे फोन दीजिए। कुछ नहीं होगा। अर्जेंट है प्लीज। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं आप अर्जेंट है। मालविका मैं ना बोल रही हूँ, तो प्लीज इसी वक्त मेरे घर आ जा। मेरे घर में चोरी हो गई है और मम्मी पापा भी नहीं है इनविटेशन देने गए। प्लीज इसी वक्त आ जा। आंटी ने ये सब कुछ किया है। What? हाँ, ईशान का फोन आया था पुलिस में, उसी ने बताया मुझे ये सब कुछ। क्या बताया? यही कि अरुणा आंटी ने यहाँ आकर मेरे शादी के कपड़े गहने सब कुछ लेकर चली गई है। And I'm telling you, let's just go to the police. ये अरुणा आंटी को तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। Let's go. नहीं, ईशान आ रहा है सब कुछ लेकर। तभी उस औरत ने चोरी तो की है ना? मालविका, ईशान ने कहा है कि हम उसके आने तक रुके, उसे रुकते हैं। नहीं, बहुत ऑड लग रहा है। मां को क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? अब आई नो, आई एम फीलिंग अशेम्ड। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते। अब जाकर सुनना पड़ेगा हमें वो लोग जो कुछ भी कहेंगे। पापा और आंटी तो अंदर होंगे ना? रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, उन तक तो बात पहुंच ही जाएगी। ओह गॉड ईशान, आई एम फीलिंग हॉरिबल। हाँ लेकिन तुम शांति रखना, वो लोग आज कुछ भी कहे हमें चुपचाप सुनना ही पड़ेगा। अगर वो मम्मा के बारे में कहे तभी हम लोग चुप बैठेंगे। तब भी मम्मा ने गलती की है तो हमें चुपचाप सुनना ही पड़ेगा, वरना वो लोग अगर पुलिस में जाएंगे ना मम्मा को जेल हो जाएगी, समझे तुम? ईशान तुमने नैना से बात की? उसने पुलिस कंप्लेंट तो नहीं की ना? नहीं, मैंने उससे रिक्वेस्ट की है। ओके चलो। नैना मैं तो कहती हूँ यही वक्त है अरुणा आंटी को सबक सिखाने का। अगर इस बार हमने उसे छोड़ दिया ना तो वो हद से आगे बढ़ सकती है। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है मालविका? क्यों नहीं कर सकती? हो सकता है वो तुम पर या आंटी पर हमला करने की कोशिश करे, वायलेंट हो जाए, मार धार पर उतर आए। इतनी हिम्मत नहीं उस डरपोक औरत में। क्यों नहीं नैना, वो इस वक्त बहुत चिड़ी हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। And you just can't trust her for anything. But you can trust us, नैना दीदी। हम जानते हैं कि मम्मी की हरकतें आपके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। फिर भी हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। You better do it, ईशान। क्योंकि उनको रोकना तुम सबके लिए अच्छा होगा। मालविका प्लीज ऐसा मत कहो। ईशान मुझसे वाकई बहुत प्यार करता है और इस वक्त उसे क्या फील हो रहा है ये मैं ही समझ सकती हूँ मालविका। ईशान ही नहीं, मुझे भी अफसोस है मम्मी की हरकतों का। ये लो तुम्हारे गहने और साड़ियाँ जो मम्मी ले गई थी। और दीदी सारे गहने ठीक तरह से चेक कर लीजिए, अगर कुछ कम हो तो बता दीजिए हमें। ऐसा मत कहो ईशान, क्या मुझे तुम पर विश्वास नहीं है? और फिर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। उल्टा मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने तुम्हारी खुशियां छीन ली। I'm sorry. I'm really sorry, पूर्वी। नहीं नैना, you don't have to be sorry. और नहीं तो क्या, मैं ही तो आ गई तुम्हारे और अमित के बीच। ऐसा कुछ भी नहीं है नैना, मेरे और अमित के बीच में जो कुछ भी था उसे समझने में मैंने ही बहुत देर कर दी, और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ और मैंने पापा को बताया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए मैं तुम्हें कभी सपने में भी दोष नहीं दे सकती। मम्मी जो कुछ भी कर रही है इसके बावजूद आई होप देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स बिटवीन अस। नो पूर्वी, नो हार्ड फीलिंग्स।
तुमसे दूर भी कर दिया ना तो मैं उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? ये सब सामान अंदर के रूम में रख, जा जल्दी। कितने धीरे धीरे काम कर रहे हो। ये क्या है, क्या कपड़े पहने हैं तुमने? ये अच्छे तरह पिछली बार भी तुमने यही कहा था जब ऑफिस में फंक्शन था, काफी गड़बड़ी हुई थी। ये सब देखिए, इस बार मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ी हो। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं चाहता हूँ कि सब इंतजाम ठीक से हो। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रमेश पहुंच गया वहाँ पर क्या? क्या कह रहे हो, अभी तक नहीं पहुंचा वो? और अभी गाड़ी आ जाएगी। बात तो करें तो फोन पे मुझे। हाँ फोन रख दीजिए, आप फोन पर बात नहीं करेंगे। मुझे मदद कराइए। अरे फोन तो बज रहा, सुने? हेलो, एक सेकंड, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, कौन? अमित, पूर्वी बोल रही हूँ। पूर्वी, हाय, कैसी हो तुम? कितने दिनों से तुमने फोन नहीं किया। जरा काम में बिजी हो गई थी। तुम कैसे हो? आई एम फिट एंड फाइन। तुम कैसी हो? बहुत खुश हो ना तुम? इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता तुम्हें। और नैना? नैना भी बहुत खुश है। हाउ आर यू? मैं कब से पूछ रहा हूँ तुम कैसी हो। मैं? तुम खुश हो तो समझ लो मैं भी खुश हूँ। Are you crying? हेलो पूर्वी, 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 क्या हुआ? मेरा पैर सो गया। कौन सा? ये लेफ्ट वाला। सीधा करना और करना शादी। क्यों, पैर का और शादी का क्या संबंध है? अगर तू शादी नहीं करती तो मेहंदी नहीं रचती, मेहंदी नहीं रचती तो तेरा पैर नहीं सोता। अब तक तो तू आराम से सो गई होगी। 10 बज गए और हम अब तक मेहंदी लगा रहे हैं। इसकी बात सुन, तू अपनी शादी में मेहंदी नहीं रचाऊंगी? रचाऊंगी, लेकिन ये सब नाटक नहीं करूंगी। सीधा मेहंदी लूंगी और हथेली में फोक दूंगी। छी गंदी। दिवाकर पूछेगा तब? क्या पूछेगा वो? और अगर उसको इतना ही शौक है तो अपने हाथों पे मेहंदी लगाए ना। अरे बाबू, और ये अच्छा है? नहीं अच्छा नहीं। अरे तुम लड़कियों को क्या क्या आता है आजकल? मामी जी, आपको नहीं आता था? मुझे बिल्कुल नहीं। मतलब मामी जी, आपने अपनी शादी में मेहंदी नहीं रचाई? रचाई? पोती की पोती। अरे अरे, हथेली पर इतना बड़ा सा गोल, बाजू में छोटे छोटे गोल, बस बन गया फूल। पता है क्या हुआ? क्या हुआ मामी? किसी ने कहा मेहंदी को रंग लाने के लिए शक्कर का पानी लगाओ। शक्कर का? हाँ मामी, हम लोग तो नींबू का रस और शक्कर मिक्स करके लगाते हैं। अरे मैंने गलत सुना था ना, शक्कर का पानी लगा दो, तो मैंने लगा दिया और सो गई आधे से सर पे रख के। और चींटियों ने ऐसा काटा, ऐसा काटा कि मैंने उठकर हाथ ही धो डाले। तो मेहंदी रंग नहीं लाई? वो तो लाई। हाँ, कलर तो लाई। वो उसके साथ जो चींटियों ने काटा था ना, वो लाल लाल रंग था ना, बड़े बड़े फोड़े थे, वो भी निकल आए। अच्छा नैना, लिखना लिखना। अमित को कह देना खोज निकाले कहाँ निकाला है। अरे मम्मी का अच्छा, मैं मिल के आती, लेकिन मैं मेहंदी के गाने गाऊंगी और सबको नाचना पड़ेगा। आप हमारे साथ नाचेंगे? सबको भागना है क्या यार? नाचूंगी नाचूंगी, देखे देखा जाएगा। बिल्कुल हूँ बेटा, बिल्कुल हूँ। हाँ एक और काम है पापा, आप जाने से पहले अपने घर के कुंडी से ही करवा लेना, ढीली हो गई है। मामा को अकेले रहना है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो। चिंता मत कर बेटे, मैं भाला लेकर दरवाजे की चौकी करूंगा। इतनी सी थी और आज आज मुझे तुम्हारी सेफ्टी की हिदायतें दे रही है ये। बस खुश रहना, कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। वक्त कैसे कट गया पता भी नहीं चला। आज मेरी बेटी की शादी। बाय द वे,
तुम्हारी वो गैंग ऑफ फोर कहाँ है? हाँ Oh,
बेटी का लगन मंडप जला दूंगी। माफ कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे अभी ठीक से पहचाना नहीं। मुझे चैलेंज करके तुमने अच्छा नहीं किया गोविंद। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फिर तुमने कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी बेटी के कन्यादान को कन्यादान में ना बदल दिया तो